पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी दो हिंदुस्तान बना रहे हैं, दो, एक अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, इन लोगों का हिंदुस्तान। लाखों करोड़ रुपए जो भी ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी करके दे देते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान नोटबंदी वाला, गब्बर सिंह टैक्स वाला, किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का। सरकार जो भी करती है 15-20 उद्योगपतियों के लिए करती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। सबसे अमीर लोग हैं, सबके नाम है, अंबानी, अदानी, सबके नाम इस लिस्ट में है। 3,50,000 करोड़ रुपए। और जब हिंदुस्तान का किसान कर्जा माफी की बात करता है, गुजरात का किसान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का किसान, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारा काम नहीं, हम नहीं कर सकते, पैसा नहीं। जब उनका कर्जा माफ करना होता है पैसा मिल जाता है, कहीं से कहीं निकाल लेते हैं, मगर जब किसानों का कर्जा माफ करना होता है तो जवाब मिलता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए, उससे पहले गुजरात में चुनाव हुआ। गुजरात की हर चुनाव यात्रा में मैंने स्टेट से कहा कि देखिए आप यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, आप यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए और 10 दिन के अंदर गुजरात के हर किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। हमने आपसे कहा ठीक है गुजरात में सरकार नहीं बनी, यही बात मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बोली। चुनाव में बोला देखिए कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। 10 दिन नहीं लगे भागे, 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों सरकारों ने सबके सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया। जो हम कहते हैं हम करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया, आप सबसे वायदा किया कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। किया था नहीं किया था? किया था ना? मिला आपको पैसा? कोई यहां पे है जिसके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख डाले? एक नहीं है ना। मगर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माताओं को, बहनों को नोटबंदी में बैंक के सामने खड़ा किया। आप सब खड़ी थी, किसान खड़े थे। काले धन के खिलाफ अगर लड़ाई थी तो फिर हिंदुस्तान के चोर काले धन वाले बैंक के सामने क्यों नहीं खड़े दिखाई दिए? सिर्फ किसान क्यों दिखे? सिर्फ हमारी माताएं बहनें, ईमानदार लोग क्यों दिखाई दिखे? तो कुछ महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया और मैंने उनसे कहा देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख देने की बात की थी, झूठी बात थी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, मगर मैं एक बात समझना चाहता हूं और आप जाइए पता लगाइए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? मुझे कहते हैं ये आप क्या पूछ रहे हो? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख का झूठ बोला, मैं हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालकर दिखा सकती है। आप जाके पता लगाइए कितना पैसा दिया जा सकता है। एक शर्त है, अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना है, नोटबंदी जैसा काम नहीं करना है, मगर आप मुझे एक नंबर दीजिए। लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, किताब नहीं पढ़ना चाहता, मुझे एक नंबर चाहिए। कितना पैसा हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हमारी सरकार डाल सकती है? गए कुछ दिन पहले, वापस आए, कागज पे एक नंबर लिख के दे दिया, 72,000। मैंने पूछा भैया ये क्या है ये 72,000?
कहते हैं हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में हमारी सरकार साल के 72,000 रुपए डाल सकती है। मैंने उनसे पूछा इससे अर्थव्यवस्था का नुकसान तो नहीं होगा, कहते नहीं नुकसान नहीं होगा फायदा होगा। मैंने कहा समझाओ, कहते देखिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया और हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था से उन्होंने पूरा का पूरा पैसा निकाल के नीरव मोदी अनिल अंबानी इन लोगों के जेब में डाल दिया। जब उन्होंने आपके जेब से पैसा निकाला आपने चीजें खरीदनी बंद कर ली, शर्ट पैंट जूते आपने खरीदना बंद कर लिया। जब आपने माल खरीदना बंद किया हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद होने लग गई। जब हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद होने लगी रोजगार खत्म हो गया और इसलिए आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की सोच, 20% परिवारों के बैंक अकाउंट में हम पैसा डालेंगे, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल का, 5 साल का 3,60,000 रुपए जाने वाला है हर प्रदेश में। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है कांग्रेस की सरकार आपके बैंक अकाउंट में सीधा का सीधा 72,000 रुपए साल के डालने वाली है। अब हम जैसे ही पैसा डालेंगे आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, साबुन खरीदेगा, टूथपेस्ट खरीदेगा। और जैसे ही आपने माल खरीदना शुरू किया वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां फिर से चालू हो जाएंगी, जैसे ही फैक्ट्रियां चालू होंगी वैसे ही रोजगार फिर से शुरू हो जाएगा। तो इससे सिर्फ गरीबों को फायदा नहीं होगा, इससे दुकानदारों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, मजदूरों को फायदा होगा, सबको फायदा होगा। और हमने निर्णय लिया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी न्याय योजना 72,000 रुपए हर गरीब के बैंक अकाउंट में साल के, ये काम हम आपको करके देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का झूठ बोला था, हम आपको 3,60,000 रुपए वाला सच बोल रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला, वो करना नहीं चाहते थे, हम आपको सच बता रहे हैं। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं ये काम हम करके दिखा देंगे। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमने कर्जा माफ किया वैसे ही 72,000 गरीबी पर वार, सर्जिकल स्ट्राइक है गरीबी पे कांग्रेस पार्टी का। गरीबी को हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। अब नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं किसानों की बात करते हैं। पिछले चुनाव के समय कहा था कर्जा माफ करूंगा, सही दाम दिलवाऊंगा, आपको सही दाम मिलता है? सही दाम मिल रहा है आपको? नहीं। बीमा का पैसा कितना देते हो आप? आपके जेब में से पैसा जाता है, सरकार का पैसा जाता है, नुकसान होता है आपका, आपको बीमा का पैसा नहीं मिलता। मगर 10,000 करोड़ रुपए आपके बीमा का पैसा हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी डाला। यह है नरेंद्र मोदी जी की बीमा योजना, उसको दूसरा नाम दिया जा सकता है, अनिल अंबानी बीमा योजना। देशभक्ति की बात करते हैं और राफेल घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के एयरफोर्स से चोरी करके अनिल अंबानी को पकड़ा दिया। भाइयों और बहनों मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी आपको मित्र कहते हैं, भाषण में सुनने को मिलता है मित्रों, आपको मित्र कहते हैं, अनिल अंबानी को भाई कहते हैं, मेहुल चौकसी को भाई कहते हैं, मेहुल भाई, अनिल भाई, नीरव भाई, पूरा का पूरा फायदा अनिल भाई को पकड़ाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे बताया, मीटिंग में बोला कि राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को ही दिया जाएगा, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा और हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा फ्रांस में बनेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह बात बोली,
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में। पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, अब नारा चला है चौकीदार, देखिए चौकीदार चोर है, और चौकीदार ने चोरी किससे की? आपसे की, माताओं बहनों से की, किसानों से की, मजदूरों से की, मछुआरों से की, बेरोजगार युवाओं से की, और पूरा का पूरा आपका पैसा लाखों करोड़ रुपए उन 15 लोगों को दिया है।